नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ में अमनदीप। आज जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी जो खबर थी कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी आ गई, जिसके चलते दुनिया भर के जो विंडोज 10 के सिस्टम थे, या तो वो सिस्टम अपने आप बंद हो गए या फिर वो रीस्टार्ट हो गए, स्क्रीन ब्लू हो गई थी। और ये एक बहुत सीरियस इशू है, जिसके चलते हमने देखा कि एयरपोर्ट पर लंबी लंबी कतारें लगी रहीं, रेलवे भी इससे प्रभावित रहा और भी कई सारे जो क्षेत्र थे वहाँ पर इसका प्रभाव देखा गया। मेरे साथ में इस वक्त IT एक्सपर्ट मौजूद हैं, अनुपम जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आज सबके मन में एक ही सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आखिर क्या खराबी हुई और इससे कहां कहां पर इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये खराबी क्या है और ये वायरस आया कैसे। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये हर एक माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के अंदर एक एंटीवायरस इंस्टॉल होता है। तो इस समय सबसे ग्लोबली यूज़ हो रहा है क्राउड स्ट्राइक, तो वो एंटीवायरस हर सिस्टम पर इंस्टॉल था। तो उसमें अपडेट कुछ आया जिसकी वजह से सारे जो जितने भी विंडोज़ की मशीनें थी वो ब्लू डंप मार के बंद हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ पे भी ये इश्यूज रिपोर्ट हुआ वहाँ के सिस्टम सारे ब्लू डंप मार के बंद हो गए। और जो भी स्क्रीन पे है ना, उनको कुछ शो नहीं किया, सिर्फ ब्लू डंप दिखाई दी, और ब्लू डंप ऑफ डेथ बोलते हैं उसको, BSOD। तो इस वजह से ये सारे सिस्टम्स डाउन हो गए थे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जितने भी स्क्रीन्स हैं, जितने भी चैनल जहाँ विंडोज़ यूज़ होती है, तो वहाँ पर वो विंडोज़ के जितने भी सिस्टम थे वो ब्लू डंप मार के बंद हो चुके थे। तो सर, क्या ये फर्स्ट टाइम इस तरह का इश्यूज आया है या फिर एंटीवायरस की भी यहाँ पर बात कही जा रही है? तो इसको ये अभी रिसेंटली एंटीवायरस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, SaaS मॉडल होने की वजह से, क्लाउड की वजह से सारी जगह ये इंस्टॉल होते हैं हर जगह। और ये अभी रिसेंटली ये इशू फर्स्ट टाइम ही आया है, नहीं तो ये क्राउड स्ट्राइक वेरी अच्छा प्रोडक्ट है और हर जगह यूज़ होता है ग्लोबली, बट अभी फ़िलहाल तो ये पहली बार इस टाइप के इशूज़ हमने फेस करे हैं। अब आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है और क्या ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुकी है? एज़ पर जो माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक ने अपडेट दिए हैं, उन्होंने कहा कि हमने उसके पैचेस अपडेट कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब सारे सिस्टम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रहे हैं। अब कोई भी ब्लू डंप या कुछ भी इशूज फेस नहीं हो रहे हैं। तो आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है अभी, बट आगे चल के ये ऑफकोर्स जब भी कोई अपडेट आए तो आपको इंश्योर करना है कि वो अपडेट सही है कि नहीं है। तो अगर आप इसको मेंटेन करके रखेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आगे चल के नहीं हो पाएगी। लेकिन सर, आज हमने देखा कि एयरपोर्ट पे खास करके बहुत लंबी लंबी कतारें थी, जो रेलवे था वो भी उससे प्रभावित हुआ। अब आगे इससे बचा जा सके, इसके लिए अब क्या हमको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे अपने सिस्टम को लेकर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ ऐसी तैयारी है? इसमें ग्लोबलाइजेशन लोग सोच रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट भी अपना बात रख रहा होगा। डेफिनेटली जब भी कोई भी वो अपडेट डालेंगे तो डेफिनेटली वो पहले अपने टेस्टिंग सर्वर पे अपडेट करके बाकी जगह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसका यही है कि आप अपडेट करने से पहले आप उसे चेक कर लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम में इससे क्या परेशानी आ सकती है या फिर क्या समस्या? इसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो एंटीवायरस अपडेट हुआ तो उसमें एक पर्टिकुलर फाइल्स होती है, वो उन्होंने उसको चैनल के थ्रू अपडेट कर दी, जिसकी वजह से वो सिस्टम में ब्लू डंप आने लगा। अगर वो आपको रोकना है तो आपको सबसे बेस्ट है कि आप एंटीवायरस को अभी थोड़ी देर के लिए अपडेट बंद कर देंगे, मतलब बंद नहीं करना है, ऑफकोर्स एंटीवायरस बंद कर देंगे तो वायरस अटैक हो जाएगा। तो आपको ये सोच करना है कि कहीं इसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। तो ऑफकोर्स बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस बारे में सोच रही हैं और डेफिनेटली वो उसके लिए सोल्यूशन निकाल देंगी। कंपनी की तरफ से अभी तक क्या कोई ऐसा कदम उठाया गया, क्योंकि अभी चर्चा हर तरफ हर जगह है, बट किसी ने कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया है अभी। तो फिलहाल जो है, जो वेबसाइट पे दिख रहा है, ये उन्होंने बोला कि हमने उस पैचेस को अपडेट कर दिए हैं, विंडोज़ भी अपडेट कर दिए हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम अभी स्टेबल है और अब मेरे ख्याल से अब दोबारा ये इश्यूज नहीं फेस होगा। IT की सर्विसेज की बात करें तो IT की सर्विसेज पर भी क्या इसका असर हुआ है? ऑफकोर्स जहाँ भी जो भी विंडोज़ मशीन थी, जहाँ पे भी वो क्राउड स्ट्राइक इंस्टॉल था, वहाँ पे ऑफकोर्स ये इशू फेस हुआ है, जहाँ पे वो ब्लू डंप मार के बंद हो गई मशीनें। तो डेफिनेटली ये इशूज काफ़ी जगह नोटिस हुआ। ये कितनी देर तक ये जो प्रॉब्लम थी ये फेस की आप लोगों ने? हमारी काफ़ी जगह फेस हुई, कई यूज़र्स ने हमें फ़ोन किया कि ये हमारे सिस्टम चलना बंद हो गए, तो डेफिनेटली हमने देखा, फिर उसके बाद हमने पैचेस अपडेट कर दिए, फिर उसके बाद वो रिजॉल्व हो गई। तो टोटल अगर देखा जाए तो अराउंड 2 से 3 घंटे का जो समय था जिसमें हमने ये इश्यूज फेस किए और इशू को रिजॉल्व हो गया ऑटोमेटिक। डेटा पर भी क्या इसका कोई असर हुआ है या सिक्योरिटी? डेटा पे कोई असर नहीं है, कोई सिक्योरिटी वो नहीं है, सिर्फ केवल ये विंडोज़ का एक कह लीजिए कि एक अपडेट था जिसकी वजह से वो ब्लू डंप मार गए। ऑफकोर्स बाकी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है कि किसी के कोई डेटा चला गया हो या कुछ ऐसा अपडेट हुआ। क्या इसका कोई ऑप्शनल पहले रास्ता निकाला जा सकता था, क्योंकि आज हमने देखा कि
बहुत सारी लोगों को खास करके बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एमपी के पूर्व सीएम हमने देखा वो एक घंटे तक एयरपोर्ट पे इंतज़ार करते रहे। इसका सॉल्यूशन तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो अब हो चुकी प्रॉब्लम तो अब मिल जाएगा सॉल्यूशन, बट पहले से अगर नहीं उसका कुछ भी सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। ये अनएक्सपेक्टेड था। ऑफ कोर्स ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी नहीं पता था कि ऐसे करने से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स उनकी भी टेस्टिंग लैब होती है, सब टेस्ट होते हैं, उसके बावजूद ये हुआ तो डेफिनेटली अब वो लोग डेफिनेटली उस पर वर्क करके क्लाउड स्ट्राइक अपना कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या आने वाले दिनों में भी क्या इसका कोई असर पड़ सकता है, जिस तरह से आज लोग परेशान हुए हैं क्या दोबारा तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी? आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बट एनीवे क्योंकि वी आर द ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, क्लाउड पे हम लोग ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं, तो हो सकता है अगर छोटा मोटा इम्पैक्ट आता हो तो छोटी मोटी सर्विसेज को तो इम्पैक्ट करेगा, बट लार्जर स्केल पे नहीं होना चाहिए अब। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपम जी। तो आपके जो भी दिमाग में सवाल होंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को लेकर, मुझे लगता है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। और बाकी आप खबरें देखते रहिए न्यूज़ 18 पर।